योगी सरकार ने बुलंदशहर हिंसा में मारे गए इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को शहीद का दर्जा देने के साथ ही परिवार को 50 लाख का मुआवजा, एक सदस्य को नौकरी और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने का भरोसा दिया। पुलिस की पकड़ से दूर बुलंदशहर हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज के बाद बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े एक और आरोपी शिखर अग्रवाल ने वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताते हुए पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठाए। बुलंदशहर हिंसा पर जारी सियासत के बीच समाजवादी पार्टी ने सरकार पर दंगाइयों को शह देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों ने इंस्पेक्टर को मारा उन्हें ही मुआवजा दिया गया। अयोध्या में विवादित ढांचा गिराए जाने की बरसी पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करके कहा कि जिस दिन राम भक्त और शक्तिशाली बनेंगे अयोध्या में राम मंदिर बनाकर हिसाब पूरा कर देंगे। पंजाब में कश्मीरी आतंकवादी जाकिर मूसा के सिख के भेष में छिपे होने का अलर्ट जारी होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। अगुस्ता वेस्टलैंड केस में बिचौलिया मिशेल को कोर्ट ने 5 दिन की सीबीआई कस्टडी में भेजा तो आरोपी मिशेल की कोर्ट में पैरवी करने वाले कांग्रेस नेता जोसेफ को पार्टी ने बर्खास्त किया। गुजरात के अमरेली में शेरों के परिवार ने सड़क पर जमाया कब्जा, 10 शेरों का झुंड बहुत देर तक करता रहा मौज मस्ती। फ्रांस के राष्ट्रपति ने देश भर में 3 सप्ताह तक चले भारी विरोध प्रदर्शन के बाद पेट्रोल पर टैक्स में बढ़ोतरी करने के फैसले को रद्द किया। नमस्कार, मैं हूं नवजोत। गुजरात के मोरबी में एक लड़के की ट्रैक्टर से बांधकर जमकर पिटाई गई और की गई और लड़के को 3 लोगों ने डंडों से जमकर पीटा। लड़के की पिटाई का वीडियो वायरल हो गया है और बताया जा रहा है कि लड़के पर डीजल चोरी का आरोप लगा था, जिसके बाद 3 लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। तो ये तस्वीरें जहां पर लड़के को ट्रैक्टर से बांधकर उसकी पिटाई की गई, डीजल चोरी का आरोप है इस लड़के पर, 3 लोगों ने उसे ट्रैक्टर से बांधा और फिर उसकी जमकर पिटाई की। गुजरात के मोरबी का इलाका जहां पर लड़के की पिटाई का ये वीडियो वायरल हो रहा है,